प्रश्न भी है कि जब मुनादी होती तो आपके लिए होती, बताने के लिए कि भाई आप सिर्फ चुनावी हिंदू हो, चुनाव खत्म फिर आप चमार हो, फिर आप वाल्मीकि हो, फिर आप पाल हो, कश्यप हो, फिर आप प्रजापति हो। तो मैं सिर्फ आपको, मेरा आने का मकसद ये था, कानून ने तो कार्रवाई कर दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ताकतवर लोग हैं, तो क्या आपसे ताकतवर है कोई? नहीं। मेरी लड़ाई ना उनके समाज से है ना उनसे है, लड़ाई सिर्फ उस सोच से है जो उनके दिमाग में है कि अगर चमारों कह दिया कि हम उनके गेहूं काटो, नहीं काटोगे तो फतवा जारी हो जाएगा, ऐसा फतवा जारी होगा कि सब लोग याद रखेंगे। फतवा है संविधान, दोबारा हिम्मत हो तो दोबारा कुछ कह के देखो, फिर उतनी धारा प्लस हो जाएंगी। हम प्रयास करेंगे कि दोबारा ऐसा मौका ना तो आए ना करें, लेकिन मैं तो आपको कहने के लिए आए, इधर से हट जाओ बहनों के सामने से, मैं इधर से बटू खाली करो इधर से। तो मुझे जानती हो? कितनी बहनें जानती हो? मुझे हाथ उठाओ जरा पहले, सब जाने। ये बताओ मेरे होते हुए तुम्हें डर है किस चीज का? है तुम्हारे और इनके अत्याचारियों के बीच में खड़ा हुआ मैं ऐसे, पहले मैं मरूंगा तब तुम्हें कुछ होगा, और ये मेरा क्षेत्र है। वैसे तो पूरा देश ही हमारा है, लेकिन ये क्षेत्र हमारा है, और ये तो मुजफ्फरनगर तो रिश्तेदारी है मेरी, ये सब लोग जानते हैं मुजफ्फरनगर के, मगर फिर भी मेरा परिवार यहाँ रहता है, मेरी बहनें माताएं रहती है, उनकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो इलाज हो जाएगा, और ऐसा इलाज की लोग याद रखेंगे, कोई किससे डरने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चलाते हो, किससे दबने की जरूरत नहीं है। और भीम आर्मी के लोग हैं यहाँ, हाल तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन तो उनके समाज के लोग भी सोचना चाहिए। अब भाई अगर आपको इतना ही खेती करने का शौक है तो अपने आप काटने लग जाओ, जब आपको खेती करने का शौक है तो अपने आप जाओ धूम में काट के देखो, आपको एहसास होगा। हम मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं, तो ये अगर किसी गलत दिमाग में गलत फहमी तो दूर करे। आपसे मेरा निवेदन है कि डरना नहीं है किससे, हमारे बीच में इतने मजबूत मजबूत नौजवान खड़े हैं, हमें डरना नहीं है, हम संविधान को मानना, किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन मेहनत मजदूरी तो करेंगे, लेकिन पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। क्या आज भी लोगों को ये लगता है कि हम वही करने, वो खेत में मजदूरी करने लायक है? नहीं भाई, पढ़ लिख का अधिकार मिला नहीं मिला बाबा साहब दिया? तो जिनको ऐसी सोच है उनके लिए कानून है, लेकिन मैं आपको बस इतना बताने के लिए, आज पावर्टी में रहने वाले तमाम शोषित वंचित वर्ग के लोगों, आप परिवार हो मेरा और मैं आपका खून हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो बेफिक्र होगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रही बात, कोई ऐसा मामला नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, जिसमें कभी आपको निराश किया गया हो, है कोई मुजफ्फरनगर में ऐसा मामला नहीं, जिसमें भीम आर्मी के लोग नाड़े हो? नहीं। हमारी लड़ाई फिर, क्योंकि हम तो पढ़ाने काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई ये भी पढ़ाई करानी पड़ेगी, तो मैं चाहता हूं उनको भी तथागत सद्बुद्धि दें कि वो याद करें कि ये गुलाम भारत नहीं है, 1950 से पहले वाला संविधान है, सबको बराबरी के अधिकार है, सबका सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, और कोई अगर अपमानित करने काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, फिर पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती। लेकिन ये खोखला सच भी अपने दिमाग से निकालो, ये बात महत्वपूर्ण है, जो लोग पूरे चुनाव के समय हमारे लोगों को पढ़ाते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम एक हैं, हिंदू हैं, वो आज कहाँ हैं? कितने लोग आए यहाँ आपको बताने के लिए कि नहीं भाई वो गलत है? क्यों नहीं आए बताओ? तो आप समझ आए कि आप कौन सा वाले हिंदू? अब सब आ जाएंगे आपके आने के बाद। हाँ, अब आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ चुनाव वाले हिंदू हो जिनकी जरूरत चुनाव में वोट के लिए है। जिस दिन वोट का अधिकार आपसे चला गया ना, उस दिन ना आपको कोई हिंदू बताएगा ना आपकी गली में आएगा। अब तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपके पैर धोते हैं और मुख्यमंत्री जी भी दलितों के यहाँ जा खाना खा के दिखाते हैं, जैसे एहसान कर रहे हूँ, जैसे हमारा कोई खाना नहीं खा सकता। चला गया वो समय, अब तो हमारे लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए, मुख्यमंत्री